हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे. और ये देखिए कैसा सिकुड़ा पड़ा है. ये पूरा सिकुड़ जाता है लड़का, लेकिन ना ये कभी कंबल नहीं उड़ता. ये देखिए दोनों कंबल कैसे पड़े हैं. और कंबल है वो नीचे दबा देता है, मुझे भी नहीं उड़ने देता जानबूझ वो कंबल। के कंबल पहले लेट जाएगा, वो अपने नीचे कंबल दबा लेता है ताकि कोई इसको उड़ा ना पाए. रात में ठंडक हो जाती है ना, ताकि कोई उड़ाए ना. ऐसे ही पड़ा रहेगा सिंगल टी शर्ट में. देखो पूरा कमर पेट सब खुल जाएगा, लेकिन ओढ़ेगा नहीं ये अपना. जबकि ये देखिए डबल कम्बल है, ये जो उधर रखा है डबल बेड का, वो अकेले ओढ़ते हैं. और इसका सिंगल मैं अलग रखती हूँ ताकि ये ओढ़े, लेकिन वो नहीं ओढ़ता. जबकि मेरी जब भी नींद खुलती है, मैं कई बार वॉशरूम जाती हूँ तो इसको हर बार उठा के उड़ा देती हूँ, लेकिन वो अलग कर देता है. तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ. सुबह के 6:30 बज गए हैं और ये आ गए हैं साइकिल चला के. ये देखिए ये नीचे बैठे कुछ कर रहे हैं. आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो वैसे क्या थोड़ा चल रहा डिफरेंस है साइकिल चला के, अगर तुम ये बोलो साइकिलिंग करके तो है. एक ही थोड़ा बात अच्छा है. साउंड करेगा। साइकिल चला के मतलब ऐसा लग रहा है कि पर्पजलेसली साइकिल चला के मतलब क्यों आ तो मैं क्या रहे, करूं, ये कहूं कि मतलब साइकिल चला साइकिलिंग करके के ऐसा लगता है कि साइकिलिंग करना मतलब इट्स एक्सरसाइज, नहीं क्या इट्स एन कहूं, एक्सरसाइज। क्या कहूँ. साइकिल चला के अखबार बेच के आए हो, साइकिलिंग करके बोलो। अखबार बेच के आए हो. तो ये अभी कर रहे हैं अपने शर्ट में ब्रश, क्योंकि तो आज ऑफिस जाना है, मंडे है ना. अब लोग कहेंगे भैया जी टेबल ले लो, ऊपर कर लिया करो. फिर आसमान में चला जाऊं करने, ऊपर कर लिया करो. ये मिनट तो कर सकते हैं। और तो मैं भी अभी आ गई हूँ. अभी हॉल वगैरह की लाइट मैंने ऑन की है. और मंडे वाले दिन अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ. 2 दिन की छुट्टी के बाद ये होता है ना कि उस दिन आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो. तो अभी आके मैंने ब्रश वगैरह की है, और ब्रश करने के बाद थोड़ी देर बालकनी में घूमी, मुँह धुला, उसके बाद जा रही हूँ, देखती हूँ कुछ काम करूँ जाके. तो कुछ मैंने ये चीनी दाल ये सब मंगाई थी, कल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इनको डिब्बों में नहीं भर पाया था, क्योंकि चीनी वगैरह का डिब्बा मैंने धो के रखा था. तो मैंने कहा चलो मैं अभी भर देती हूँ. और इस टाइम पर क्या है कि मैं राशन भी ना, जैसे दाल है या बाकी चीज़ें हैं, बहुत कम कम मंगा रही हूँ. चले पहले मैं क्या करती थी, खट्टा ले आती थी महीने भर का, तो बार बार उसको कहीं धूप में दिखाना कुछ करना, तो मैं अब थोड़ा ही थोड़ा मंगाती हूँ, उतना होता भी नहीं है मुझसे. इसलिए मेरे किचन के डिब्बे भी काफ़ी सारे ऐसे खाली खाली रखे हैं. जो ज़रूरत होता है उतना ही सामान मैं मंगा लेती हूँ, फिर यूज़ हो जाता है फिर मंगा लेती हूँ. तो अभी मैं दूध का पैकेट देखती घूम रही थी, क्योंकि किचन में भी नहीं था दूध, और मैंने देखा फ्रिज में भी नहीं था, क्योंकि जब ये बाहर से आते हैं तो दूध बाहर से उठाते हुए ले आते हैं, बाहर रख जाते हैं. लेकिन मुझे आज कहीं दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं है कि दूध आया नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कोई गैप कर देते हैं किसी ना किसी वजह से. तो ये अभी उठा के लाएँ, क्योंकि आज लेट लेके आए होंगे वो अंकल जी जो आते हैं. तो अभी मैंने गैस पर रख दिया है दूध, और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी. नाश्ते में ओट्स बनाऊँगी, क्योंकि जल्दी बन जाता है, वरना बाकी जो किचन का काम कर रहे हो तब गेट खोल के करते रहो तो हवा आती है गर्मी है तो. लेकिन जब गैस जलाना है तो बंद ही करना पड़ता है. और ये सब काले काले दिखते हैं, ये नया दिख रहा होगा ना, ये बदल गया है. शैम्पू किया है क्या? बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं. तुम तो शैम्पू भी नहीं करते, ऐसे पानी भर लेते हो उनमें ना? करता हूँ, हफ्ते में एक बार करता हूँ, वीकली वंस. और मैं बाल कभी पोंछता नहीं. नाक से बूंद टपक रही है. हाँ वो गाना सुना है नथुनिया से बूंद टपके. थोड़ा नाक से टपक रहे हैं. और इन्होंने भी नहा लिया, जल्दी नहा लिया, अभी टाइम काफ़ी है. मैं खाना वाना भी बना लूँगी, लेकिन जल्दी इसलिए नहा लिया, बाहर से आने के बाद में ये नहा लेते हैं आके, क्योंकि अभी ये पूजा भी करेंगे. भगवान जी को नहलाना, भोग लगाना, जो सुबह की पूजा होती है वो ये कर लेते हैं. और जब तक मैं किचन का जो काम होगा खाना पीना निपटाऊँगी, और इनको जो ऑफ़िस का काम होगा वो करते रहेंगे, क्योंकि ये पूजा वगैरह करेंगे तो बड़े आराम आराम से तसल्ली से करते हैं.
तब तक मेरा काम झटपट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था कढ़ाई में बॉईल होने के लिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और जैसे ही दूध अच्छे से बॉईल हो गया तो मैंने यहाँ पर ओट्स डाल दिया है। बस इसको ऐसी धीमी आंच में छोड़ दूँगी। तब तक यहाँ पे इनकी हो रही है पूजा और मैं भी जाती हूँ, मैं भी नहा धो लूँगी अभी जाके, आयान को भी नहला दूँगी साथ ही साथ में, क्योंकि फिर बाद में बार बार गीला होना पड़ता है। और ये पूजा करके सारे पौधों में पानी भी डाल देते हैं, कभी कभी गैप भी हो जाता है। और आप देख सकते हैं जो अजवाइन वाला है ना, वो कितना हरा भरा हो रहा था कोने में। कहते हैं ना जिस पौधे की कम केयर करो, और ये सच में देखिए नीचे तक आ गया। और जिनकी ज़्यादा केयर करते हैं वो जाने कहाँ जाते हैं सूख के, मैं जो भी लगाती हूँ आके वो बचते ही नहीं है। इस टाइम तो वैसे भी मैं पौधों की केयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वैसे भी ख़राब हो जाते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने नहाया, हेड वॉश भी किया था, आयान को भी नहला दिया है, इसको भी ब्रश वगैरह करा के नहला धुला दिया है। और अभी मैंने बाल धुले थे तो वो भी मैं अच्छे से सुखा लेती हूँ। वैसे तो गर्मी आ गई, लेकिन अभी यहाँ पे सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और उसके बाद मैं भी जाती हूँ, पूजा तो हो गई है, लेकिन मैं भले ही पूजा हो जाती है लेकिन जो मैं रोज़ चालीसा करती हूँ मैं ज़रूर कर लेती हूँ। जिस दिन ये पूजा नहीं कर पाते तो पूजा भी कर लेती हूँ, बाकी संध्या वगैरह तो मैं कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं आई, मैंने चालीसा की मंदिर में आके, उसके बाद में मैं किचन में पहुँची और समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए। तो फ्रिज में रखी थी लौकी, तो मैं वही लौकी निकाल के लेके आई हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि लौकी ऐसे सिंपल बनाऊंगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और फिर शाम के टाइम तो सिंपल भी चल जाती है, लेकिन सुबह के टाइम जब इनका भी लंच वगैरह होना होता है उस टाइम पे सिंपल लौकी नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा दूसरी तरह से बना लेती हूँ। और देख सकते छीलने से भी पता लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि जब भी लौकी लेके आते हैं ऊपर से तो वो अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से धोखा दे जाती है, मतलब इजली नहीं छिलती है। अगर आप उसको नॉर्मल बनाते ना तो ये पकती भी नहीं अच्छे से। तो इसलिए मैंने इसके ऐसे पतले पतले से स्लाइस काट लिए हैं। वैसे जो कद्दूकस करके जो बनते हैं ना कोफ्ते, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये वाली जो पकौड़ी टाइप की इस तरह की बनते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली। और इसमें क्या है तेल भी कम लगता है और थोड़ा सा बन भी जल्दी जाती है उसको। अभी क्या है मैं कद्दूकस करती फिर निचोड़ती फिर बनाती, तो इसलिए बस मैंने फटाफट से इसको ऐसे पतला पतला काटा। इसमें बेसन डाला, जीरा डाला है, थोड़ा सा सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी मिर्ची और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर नमक वगैरह। और बस इसमें बेसन भी थोड़ा सा कम लगता है। और बस यहाँ पर मैं इनको पकौड़ियाँ निकाल लूँगी। और ये वाली पकौड़ी ना आयान को भी अच्छी लगती है। मैं दिखा रही थी तवा नीचे से कितना गंदा हो रहा है ये मेरा पैन, क्योंकि गैस बहुत काला छोड़ रही है इस टाइम पे। तो बस इनको मैंने अच्छे से बेसन में लपेट लिया है। यहाँ पैन में तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर डाल दी है खूब सारी। मैंने पैन में इसलिए निकाली कि जल्दी से बन जाएंगी, इसमें ज़्यादा मतलब फ्राई करते बन जाती हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं इनको सेक ले रही हूँ। और ये पकौड़ी ना वैसे भी खाने में भी अच्छी लगती है। और देख सकते हैं अगर इसमें वो वाले जो कद्दूकस करके बनाते हैं कोफ्ते, काफ़ी ज़्यादा तेल लगता है, लेकिन ये बहुत कम तेल सोखती हैं। देख सकते हैं बहुत कम तेल इनमें एब्जॉर्ब होता है। तो बस ऐसी मैं सारी सेक ले रही हूँ, और जब तक ये पकौड़ी सेक रही है तब तक मैं सब्ज़ी के लिए और प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ। साथ ही साथ मैं और तैयारी भी करती रहती हूँ खाने की। तो बस यहाँ पर ये देखिए सिक गए हैं। आयान आ गया था पकौड़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ कोफ्ते वगैरह उसको पकौड़ी पसंद आती है, तो मैंने उसको अभी पकौड़ी दी है खाने के लिए। ये देखिए पहले ये नाटक करता था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें खा लेता है जो भी उसे मिल जाती हैं ठीक ठाक उसके लायक। और यहाँ पर मैंने प्याज के साथ ही मिर्ची वगैरह सब कुछ पीस दिया है। इस टाइम पर मैं लहसुन अदरक नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि मैं जो गर्म होती हैं अदरक लहसुन ये सब मैं इस समय यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। और बस यहाँ पर टमाटर भी पीस ले रही हूँ इसी में। और उसके बाद मैं बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है, जितना ये मसाला प्याज ये सब था अच्छे से पका लूँगी। टमाटर को भी डाल के ग्रेवी अच्छे से तेल छोड़ देगी, उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी अच्छे से बॉईल होने लगेगा,
उसके बाद में पकौड़ी डाल दूंगी। तो बस सब्जी का काम हो गया। मैं फटाफट से अब जल्दी से बना लेती हूँ चावल और रोटी, ताकि जल्दी से मैं लंच तैयार कर लूँ। तो बस ऐसे ही हो जाता है मेरा अभी का काम। बाकी दिन में जो छोटा मोटा सफाई का रहता है वो धीरे धीरे अपना करती रहूँगी। अभी तो किचन में खूब फैला लेती हूँ जल्दी जल्दी करके। दोस्तों अभी बज रहा है शाम के 7:30 और हवा बहुत तेज चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ तुम भी तेज चल रहे हो तुम घर। ये देखो साइकिल लेके कहीं भी घुस जाता है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो दिखेगा नहीं तो हवा बहुत तेज, मतलब इतनी तेज चल रही है कि मेरे यहाँ के भी पौधे हिल रहे उड़ रहे हैं। ये देखिए इससे पता चल जाएगा कि हवा काफी तेज चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि अंदर क्या है थोड़ा सा ऐसे घुटन सी हो रही थी। बैठ भी सकते थे, साइकिल लाया बैठने कुछ नहीं मिला है तो। टूटा दांत दिखा दो तो हम बाद में कांटा लगेगा। हाँ। दिखा दो टूटा दांत निकल रहा है धीरे धीरे, बहुत लाल लाल चमक रहा है, क्या बात है, लाइट आ रही है ऐसी। बात कर रही थी, मेरा एक फेवरेट कमेंट है जो कि मैं हर वीडियो में देखने को मुझे मिल जाता है, और जो कमेंट करता है ना उसको वो कमेंट करके बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे लगता है अगर वो कमेंट करके बहुत खुशी मिलती है तो आप और करो और खुश हो जाओ। हाँ तो मैं कह रही हूँ कि मतलब एक मतलब वो कमेंट जो है उन्हें रोज करना ही करना है। मैंने ऐसे 2-3 कमेंट देखे, ज्यादा नहीं, बूढ़ी हो रही है, बुढ़ी कहेंगी, बुढ़ापा आ गया है, बूढ़ा बूढ़ी हो रही है, और मतलब पता नहीं कौन तरीके तरीके से लिखा रहता है। तो आवाज आ रही है क्या? तुम हेडफोन लगाए रहो। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे बूढ़े होने से आपकी जवानी तो कम नहीं हो रही है, आप तो जितने जवान हो उतने ही रहोगे, तो मेरे बुढ़ापे आने से आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि मेरे बुढ़ापा आने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे बिल्कुल भी टेंशन होती है कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ जवान हो रही हूँ। मेरे को बिल्कुल तनिक भी इतना भी असर नहीं है मेरे बुढ़ापा आने से, क्योंकि मुझे तो और खुशी होगी कि मुझे मतलब लंबी उम्र मिलती जा रही है, मतलब भगवान की दया से मुझे बुढ़ापा भी मिले जवानी के बाद में, बचपना मिला, जवानी मिली, बुढ़ापा भी मिले, मुझे जरा भी फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको मुझे बूढ़ा बोलने से आपकी जवानी कम नहीं हो रही है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इससे खुशी मिलती है या आपकी 2-4 साल उम्र कम हो जाती है मुझे ऐसा बोलने से, तो बोलते रहो। जब आप मुझे ऐसा बोलते हो कि बूढ़ी हो रही हो, बूढ़ी हो रही हो, बुढ़ापा आ रहा है, और पता नहीं बूढ़ी घोड़ी कहेगी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कहाँ का फ्रस्ट्रेशन मेरे कमेंट बॉक्स में आगे निकाल देते हैं। अगर आपको इतना गुस्सा या कहीं का फ्रस्ट्रेशन या कहीं का भी भरा रहता है तो आप कहीं और निकाल लो, मेरे कमेंट बॉक्स में निकाल के क्या मिल जाता है आपको। जब आप मुझे बूढ़ा कहते हो तो आप अपने माँ बाप को भी बूढ़ा कहते होगे, बूढ़े कहेंगे, बुढ़े नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारी मम्मा बुढ़ी हो रही है। गाना हो गया अब, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं तब गाऊंगा तो कुछ हो सकता है। मतलब अभी कुछ बोल नहीं सकता, जाने से फायदा क्या है? नहीं गाओ। देखो मैं बाल खाने लगे जान पूछ के है। और तुम दिन पे दिन और तीखे होते जा रहे हो, तो ताकि मैं और बुढ़ी लगने लगूं। और क्या, मैं तो फायदा उठा रहा हूँ, मुझे मालूम है तू अभी कुछ कर नहीं सकती। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सच में। अगर मैं कुछ ट्राई भी करना चाहती कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ तो अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे वो हेड स्टार्ट मिल गया है। हाँ। तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। तो जब तक रमा का नंबर आएगा तब तक मैं क्या है? बोलना बहुत आसान होता है। मैं एक चीज बता दूं, महिलाओं की बॉडी होती है जो बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है, बहुत सारी चीजें होती है बॉडी में, बहुत सारे बदलाव होते हैं जिससे कि बहुत सारा आपको मतलब चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसलिए किसी को ऐसा टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौर से हर एक महिला गुजरती है, तो उसकी बॉडी में चेंजेस होना एक नॉर्मल बात है, है ना। अब आदमी लोग अगर टोकते नहीं तो फिर आपका ये इतना सारा ज्ञान कैसे पता चलता? क्यों? तो टोकना भी जरूरी है, टोकने वाले टोकेंगे। हाँ। टोकने वाले टोकेंगे, हर तरह की चीजें होंगी। हर कैरेक्टर का आदमी है, हर कैरेक्टर का इंसान है, तो टोकने वालों को टोकने दो यार, व्हाई आर यू गेटिंग अफेक्टेड। मुझे लगता है कि कोई आदमी तो ऐसा मुझे बोलेगा नहीं। तो मुझे लगता है महिला होगी अगर इतनी सी समझ नहीं है कि एक औरत किस दौर से गुजरती है, तो ये फिर बहुत ही तौहीन वाली बात है, क्योंकि तब तो आपको सारी चीजें समझनी चाहिए कि वो एक औरत होती है किन चीजों से गुजरती है, क्योंकि आदमी लोग तो उन चीजों से नहीं गुजरते हैं ना, कि उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं या हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं या बॉडी बोल सकते हैं या बॉडी फैल रही है। अरे हैव फन यार, इतना सीरियस क्यों? सीरियस नहीं, मैं बता रही हूँ।